आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके एम आई रेडमी फ़ोन में 4G नेटवर्क नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपके सिम कार्ड में 4G नेटवर्क शो नहीं होता है, तो ये प्रॉब्लम ठीक कैसे करें। तो इसके लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। फ़ोन की सेटिंग में आने के बाद आएगा ये सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, तो इस पर आप क्लिक करिए। ऊपर आएगा सिम 1 सिम 2, तो जिस सिम कार्ड में आपका 4G नेटवर्क नहीं आ रहा है उस सिम कार्ड पे क्लिक करिए। हम क्लिक करेंगे सिम 1 पे, तो ये हमने सिम 1 पे क्लिक किया। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आएगा नीचे ये एक्सेस पॉइंट नेम्स, तो इस पे आप क्लिक करिए। अब नीचे ये रीसेट बटन आएगा, तो रीसेट पे क्लिक करिए। और ये करने से कोई आपका डेटा या फिर कुछ आपके फ़ोन से रीसेट डिलीट नहीं होता है। तो ये करने के बाद ऊपर ये जो APN सेटिंग्स आएगी इस पे आप क्लिक करिए, इसे सेलेक्ट करिए। उसके बाद बैक आइए, नीचे आएगा ये प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, तो इस पर क्लिक करिए। अब यहाँ पे अगर आपका 2G या फिर 3G सेलेक्ट है तो आपको मिलेगा ये प्रेफर LTE, या फिर प्रेफर LTE अगर नहीं आएगा तो आपके फ़ोन में 4G आएगा। तो 4G आएगा तो 4G सेलेक्ट करिए, अगर प्रेफर LTE आएगा तो इसे सेलेक्ट करिए, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद आएगा नीचे मोबाइल नेटवर्क, इस पर क्लिक करिए। ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नेटवर्क आएगा तो ये आपका ऑन होता है, तो इसे बंद करिए। बंद करने पर नीचे नेक्स्ट करिए, ओके पे क्लिक करिए। अब ये नेटवर्क सर्चिंग लेगा, तो यहाँ पे 10 से 15 सेकंड आप वेट करिए। अब जब ये ऑटोमेटिक नेटवर्क सेलेक्ट कर लेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नेटवर्क ऑन करिए। और ये ऑन करने के बाद बैक आ जाइए, उसके बाद अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। फ़ोन की सेटिंग में ऊपर आएगा ये अबाउट फ़ोन, तो अबाउट फ़ोन पे क्लिक करिए। उसके बाद नीचे आइए, नीचे आएगा डिटेल्ड इन्फो एंड स्पेक्स, इस पर क्लिक करिए। और नीचे आ जाइए, नीचे आकर आपको मिलेगा ये इंटरनल स्टोरेज, इस पर 4 से 5 बार क्लिक करिए। और उसके बाद आएगा फ़ोन इन्फॉर्मेशन 1, फ़ोन इन्फॉर्मेशन 2। तो सिम 1 में अगर 4G नेटवर्क नहीं आता है तो फ़ोन इन्फॉर्मेशन 1 पर क्लिक करिए, अगर सिम 2 में नहीं आता है तो फ़ोन इन्फॉर्मेशन 2 पे क्लिक करिए। हम क्लिक करेंगे फ़ोन इन्फॉर्मेशन 1 पे। अब यहाँ पे आने के बाद आएगा नीचे इस तरीके से ये मोबाइल रेडियो पावर, अगर आपका ये बंद है, मोबाइल रेडियो पावर ऑफ़ है, तो इसे ऑन करिए। और अगर आपका ये ऑन है तो इसे एक बार बंद करके फिर से ऑन करिए। तो ये ऑन करने के बाद अब बैक आ जाइए, उसके बाद अब अपने फ़ोन में आप एक बार फ्लाइट मोड ऑन करिए। फ़्लाइट मोड ऑन करने के बाद इसे बंद करिए, उसके बाद अपने फ़ोन को बंद करके चालू करिए या फिर अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करिए। और ये सारी सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद अब चेक करिए आपके फ़ोन में 4G नेटवर्क यहाँ पे आ रहा है, 4G नेटवर्क शो हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।